प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र खुरई मध्य प्रदेश में विकास का मॉडल बनता जा रहा है। जनता के लिए वह हर बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन यहां हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों की सौगातें खुद गवाही दे रही हैं कि इस क्षेत्र में विकास के मामले में क्या कार्य हुए। यहां के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहाँ की विकास की जो नींव रखी है, आज वह इमारत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बात चाहे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की हो या अन्य, ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता जिसमें सौहार्द की बौछारें ना होती हों। अस्पताल, स्वास्थ्य, डैम, पार्क, कॉलेज, हर दफ्तर की नई बिल्डिंग, सड़कें इस बात की गवाही है कि यहाँ के विधायक ने अब तक क्या कार्य किए। पहली बार जब भूपेंद्र से यहाँ से विधायक चुने गए थे, तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम आने वाले समय में खुरई को प्रदेश नहीं जैसे मानचित्र पर लेने की कोशिश करेंगे। आज वो कोरोना काल को अगर छोड़ दें तो लगभग 7 साल काम करने का अवसर मिला है, और इन 7 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनेक प्रयास किए, जहां पर हाई स्कूल नहीं थे वहां पर हाई स्कूल शुरू कराने का प्रयास किया, जहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं थे वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू कराने का प्रयास किया। हमारे क्षेत्र में मानथुर और मांदरी दो स्थान ऐसे थे जहां पर महाविद्यालय नहीं थे, उन दोनों स्थानों पर महाविद्यालय प्रारंभ कराने का काम किया। इस क्षेत्र में ऐसी कोई भी कमी नहीं है, बात चाहे कुटीर की हो, शिक्षा की, बुनियादी सुविधाओं की, सड़क की, जो भूपेंद्र सिंह ने पूरी नहीं की हो। इन्हें यहाँ की जनता ना विधायक कहती है ना मंत्री कहती है, इन्हें प्यार से भैया का संबोधन किया जाता है, और भैया भी इतने लाडले कि आए दिन बच्चों के बीच जाकर शिक्षा जगत की खामियों, गतिविधियों और आने वाली समस्याओं को पूछकर उनको दूर कर रहे हैं। ऐसा शायद ही प्रदेश में कोई विकास का मॉडल खुरई जैसा हो जो भूपेंद्र सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यहाँ विकास के सोपान तय किए हैं। यहाँ का डोहला महोत्सव अब जग जाहिर है। मैं चाहूंगी आप जाएं, क्योंकि आपके चेहरे पर ये जो खुशी मैं देख रही हूँ ना, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट है आपकी, और बहुत ही निखालस, बहुत ही सरल स्वभाव मुझे आपका लग रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम आपके साथ हैं सभी लोग। बस आप तो देश के लिए काम कीजिए, बाकी सब हम जनता पर छोड़ दीजिए। भारत में फिर से हम भगवाले रहेंगे। पहले यह एक या दो दिन का होता था, लेकिन जनता की मांग पर यह रंगारंग कार्यक्रम अब 3 दिन का होने लगा है, और इस डोहला महोत्सव ने प्रदेश ही नहीं देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह का सपना है कि जिस खुरई के सर्वदी गेहूं का नाम प्रदेश और देश और दुनिया जानती है, ऐसा विकास के मामले में हमारा खुरई सबसे आगे हो। अब बात मुसीबत के क्षणों की जाए तो बीते 2 साल पहले जनता के सामने जो भयावह काल त्रास दी कोरोना काल थी, उस समय भूपेंद्र सिंह ने व्यक्तिगत और सरकार की ओर से हर वह साधन संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जिनकी जरूरत थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी लोगों को इलाज के लिए हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली और चेन्नई जैसी जगहों पर भेजा। यहाँ के विधायक विकास के मामले में सबसे आगे। अब बात इनके नगरीय विकास मंत्री की जाए तो प्रदेश के कई महानगरों ने सुंदरता और स्वच्छता के मामलों में नेशनल स्तर के अवार्ड पाए हैं। मध्य प्रदेश की चुनिंदा स्मार्ट सिटियों ने कई ऐसे अवार्ड हासिल किए हैं जिनके सच्चे मायनों में हकदार और इस अवार्ड को दिलाने की पहल करने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह ही हैं।